नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वाति फाउंडेशन ने दिव्यांगों के लिए एक अनोखे सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें दिव्यांगों के लिए काम करने वाले तमाम लोग देश के विभिन्न जगहों से आए थे। स्वाति फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि दिव्यांग जन को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना ही सच्ची मानवता है। इस सेमिनार में दिव्यांगों के लिए काम करने वाले तमाम लोग देश के विभिन्न जगहों से आए थे। स्वाति फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि दिव्यांग जन को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना ही सच्ची मानवता है। स्वाति सिंह ने कहा कि कुछ बच्चों को कम दिखाई देता था, लोग उन्हें दिव्यांग मानने लगे थे, लेकिन मैंने उन बच्चों का जन सहयोग से इलाज कराया और आज वो देख सकते हैं। स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और दिव्यांग जन के लिए काम करती हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उस अवसर पर लगा जो उनकी विचारधारा थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी हमें आगे लेकर आना है, तभी समाज का विकास होगा। तो आज मुझे लगा कि आज का दिन सबसे उचित दिन होगा, क्योंकि समाज का बहुत ही अभिन्न अंग है जो दिव्यांग जन है, और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों वश ये एक अंतिम पायदान पर खड़े हैं। तो ज़रूरी है कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़कर इन्हें आगे ले आए, ताकि हम अपने समाज में बदलाव ला सकें। और एक विषय आया कि जो भी दिव्यांग जन है उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो दिव्यांग जन है। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि समाज से मैं ये आह्वान करती हूँ कि समाज को भी आवश्यक है कि वो ये एक्सेप्ट करे कि जो दिव्यांग जन है वो भी इस समाज का अभिन्न अंग है और उन्हें हम साथ लेकर आगे बढ़ें। मैम, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि कुछ दिव्यांग थे जिनको सुनने में समस्या, देखने में समस्या हो रही थी, फिर आप लोगों ने लोगों के सहयोग से मदद किया और फिर वो देख पा रहे हैं, तो कितनी आत्मसंतुष्टि हुई। देखिए, बिल्कुल, जब हम समाज में, मैं तो धन्यवाद देती हूँ अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उनकी वजह से आज एक राजनीतिक मंच मुझे मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पर मैं बच्चों के लिए, दिव्यांग जन के लिए, महिलाओं के लिए मैं काम कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी कहूँगी, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग थे जो छोटे थोड़े थोड़े से इलाज की कमी के कारण वो सुन नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, और शायद उनके ही माध्यम से मुझे सरकार के इन योजनाओं के बारे में जानकारी हुई। मैं अन्य संस्थाओं से जुड़ करके, अन्य लोगों के साथ जुड़ करके मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ठीक कराने का काम किया। मैं सरकार का भी धन्यवाद देती हूं और आत्मसंतुष्टि तो ज़रूर होती है। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि आज तक ऐसा भारत में नहीं पर विश्व में पहला ये उत्तर प्रदेश है कि दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी स्वयं चलाते हैं, एक भी पैसा दिव्यांगों को फी नहीं है। आप आज दूसरे राज्यों में आइए, दिव्यांगों को बीकॉम होना हो, बीसीए होना हो, अरे कोई भी डिग्री लेना हो तो फी भरनी पड़ती है। हर एक जगह पर बिल्डिंगों में लीप नहीं होती है, दिव्यांग घसड़ के जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी में बैरियर फ्री यूनिवर्सिटी है, 4,000 दिव्यांग को पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये सरकार को दिव्यांगों का हिसाब से, मैं पद्मश्री कनुभाई टेलर सरकार को खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। मैं यूपी सरकार में, जो मेरा जन्म हुआ होता तो मेरे लिए ये सौभाग्य होता, पर मुझे आज स्वाति बहन ने और माननीय श्री गवर्नर महोदय आनंदी बहन ने मुझे कल बुलाया परसों विश्वविद्यालय में। मैं आया, मैंने देखा ये विश्वविद्यालय ये स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाई है। वो आनंदी बहन की एक देन है। आनंदी बहन आपके राज्य में गवर्नर के रूप में आई तो उसने अद्भुत दिव्यांगों के लिए कहा। मैं आपको वंदन करता हूँ और सभी सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वाति फाउंडेशन ने मुझे आज कार्यक्रम रखा, मुझे नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं जानता था, पर स्वाति बहन ने कहा कि आपके अभिवादन में मैंने दिव्यांगों को सेमिनार रखा है। पत्रकार मित्रों, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो मीडिया है कितनी संवेदनशील है कि दिव्यांगों के समाचार के लिए आप आए। आपका भी मैं वंदन करता हूँ और फिर से मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ कि यहाँ जो काम दिव्यांगों का हो रहा है
सबके लिए प्रेरणादायी एक उम्दा कार्य है। सरकार को मैं वंदन करता हूँ, आभार, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।